अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम रिव्यू लेके हैं वेब कैम का, जो कि एक तरफ है C920 HD Pro, दूसरी तरफ है C930E। ये भी HD Pro में ये वेब कैम आता है और ये बहुत ज़बरदस्त वेब कैम है। बस थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली बहुत है, इससे काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस है। तो फाइनली हम इसका आपको रिव्यू दिखा देते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बॉडी वाइज तो नज़र आ रहा है सबको, बॉडी वाइज शेप एक जैसी है, बस कलर थोड़ा सा चेंज है और लेंस का थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया इन्होंने। तो स्कोप, अब जाते हैं रिज़ल्ट की तरफ। तो रिज़ल्ट इसका दिखा देता हूँ मैं, एक ही स्क्रीन में एक ही टाइम पे दोनों रिज़ल्ट खोलूँगा मैं इनके। ये वेबकैम C930 का रिज़ल्ट है, 930, दिस इज़ 930, C930E। ये आप देख लें, C930 का रिज़ल्ट ये रहा और दूसरी तरफ है C920। तो ये रहा C920 का रिज़ल्ट और ये रहा 930 का रिज़ल्ट। तो 930 जो है वो कलर क्वालिटी में ज़्यादा इससे आ गया, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। कोई FPS का वो नहीं है कि लोग कहते हैं कि 60 FPS पे वीडियो बनाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सिंपल है, जैसे 920 है वैसे ही 930 है, लेकिन कलर का फ़र्क है। इसमें आप कलर देखें, 920 में थोड़े से हल्के हैं और 930 में थोड़े से डार्क हैं, बस इतना सा फ़र्क है। तो बाकी ये वेबकैम दोनों आपके सामने, ये ऑन हुए हैं, ये सेटअप लगा हुआ है, तो ये वेबकैम दोनों ऑन है। तो ग्रीनरी की बात करें तो अगर हम, मैं आपके सामने ये रखता हूँ, ये आ गया C930E का रिज़ल्ट और ये आ गया C920 का रिज़ल्ट। दोनों में डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको, क्लियर करके बताता हूँ। ये C920 का रिज़ल्ट है और ये 30 का रिज़ल्ट है। 30 पीछे से भी आपको दिखा रहा है, ठीक है, और जो आगे ऑब्जेक्ट पड़ा उसको भी फोकस करा रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ऑब्जेक्ट जो ऑटो फोकसिंग वाला चक्कर है वो 930 का ज़्यादा अच्छा है। तो जिसने प्रो स्ट्रीमिंग करनी है तो वो यही बाय करें।